तो आज मैं बताऊंगी आपको कि JBL का स्पीकर या ब्लूटूथ का स्पीकर अपने PC या लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च आइकन पे जाना है। यहाँ पे आपका नॉर्मली ब्लूटूथ आइकन शो करता है, लेकिन अगर शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्च बार पे जाना है। यहाँ पे ब्लूटूथ लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया है, तो इसे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ऑन होगा यहाँ पे आपका आइकन शो करने लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आइकन आ गया है। और अपने डिवाइस ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है और फिर इसे क्लिक कर देंगे। और फिर आपको क्या करना है, डिवाइस ऑन करना है और इसका ब्लूटूथ ऑन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं JBL लिखा हुआ आ गया है, तो इसको डबल टैप करेंगे तो आपने देखा यहाँ से ये कनेक्ट हो चुका है। अभी एक साउंड आया था तो यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया है, ये आपका कनेक्ट हो चुका है, तो इसे डन कर देंगे। अब मैं आपको इसमें म्यूज़िक बजा के दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बजना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप इसका साउंड बढ़ा सकते हैं प्लस से, यहाँ से आप इसका साउंड घटा भी सकते हैं। और ब्लूटूथ के अलावा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास ऑक्स की लीड है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा और ये वाला PC में लग जाएगा आपके, या लैपटॉप में लग जाएगा जहाँ से आप ईयरफोन वगैरह लगाते हैं, तो ये आपका बजना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर हो या लैपटॉप, तरीका सेम होता है इसको कनेक्ट करने का। और अगर आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ नहीं है तो इस टाइप का एक छोटा सा डिवाइस आता है, रिसीवर बोलते हैं इसको, तो इसको लगा लेंगे अपने कंप्यूटर में तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।